बच्चों, स्वागत है आपका चैनल ICT पे। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 71 डिस्कस करेंगे और ये 25 सितंबर यानी कि फ्राइडे की वर्कशीट है और ये क्लास 6, 7 और 8 के लिए है। पर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो ये वाली वर्कशीट हिंदी मीडियम में है और आज की केवल एक ही वर्कशीट होगी जो कि हिंदी में होगी। आज इंग्लिश की कोई भी वर्कशीट नहीं है और इसके साथ ही आप ये वीडियो जो है वो शुरू से लेके अंत तक बिना फॉरवर्ड किए पूरी देखें ताकि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ जाए और उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए तो फिर आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करके पॉज करके क्वेश्चन आंसर्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है ये वाली ब्लैंक पे। प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप माता पिता शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और कामकाज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। आपने अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे, आइए उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें, अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें, फिर उसे लिखकर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाएं। आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करते हैं। तो ये वाली जो वर्कशीट है ये बेसिकली एक एक्टिविटी वर्कशीट है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि COVID-19 महामारी के कारण सारे विद्यालय जो है वो बंद है, आप सभी विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, पर आप अपनी पढ़ाई किसी तरह से पूरी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अपने आपके शिक्षकों के सहयोग से और अपने माता पिता के सहयोग से। और पुस्तकें जो होती हैं वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, उससे आपकी पढ़ाई भी होती है और आपका मनोरंजन भी होता है। तो अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और लोगों का जो कामकाज है वो भी धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, पहले की तरह होने लगा धीरे धीरे। तो इस लॉकडाउन में घर बैठे बैठे आपने पढ़ाई करने के अलग अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे, तो इस वर्कशीट में हम उसी पे बात करेंगे। आपको क्या करना है, 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और आप ये सोचें कि आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, आपको किस टाइम पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने बजे आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ये आप सोचें और उसकी एक टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल को बना के जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं उसके सामने दीवार पे लगा दें ताकि आपको वो टाइम टेबल हर टाइम दिखता रहे। तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस के जरिए पढ़ाई कैसे करते हैं, कैसे करेंगे और पढ़ाई को रोचक कैसे बनाएं, इस चीज पर हम बातचीत करेंगे। तो डिस्कस करते हैं हम, अपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है ये आपको बताना है। इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं लिखिए। तो आप पढ़ाई कहाँ पे करते हैं और आप जब आपने जो अपनी पढ़ाई की जगह चुनी है उसको चुनते वक्त आप क्या क्या चीजें हैं जो अपने ध्यान में रखते हैं वो बताना है। मेरे घर में मेरी पढ़ाई की जगह मेरा कमरा है। इसका चुनाव करते समय मैं निम्न बातों का ध्यान देता हूँ, मैं की स्पेलिंग गलत हो गई है, आप सही कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं निम्न बातों का ध्यान देता हूँ, पहला है प्रकाश, दूसरा शांति, तीसरा स्टडी टेबल। यानी आप अपने कमरे में पढ़ाई करते हो ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ाई का स्थान चुनते हो तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? प्रकाश, यानी कि आपके कमरे में जो है सही लाइट आ रही हो और भरपूर लाइट आ रही हो, ऐसा ना हो कि कमरा थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो, अच्छे से प्रकाशित ना हो, उससे क्या होगा आपकी आंखों पे जोर पड़ेगा और आपकी आंखें खराब होंगी। तो आपको हमेशा कमरा चुनते वक्त ये ध्यान रखना है कि या तो आपके कमरे में खिड़की हो, और अगर खिड़की नहीं भी है तो जो आपके कमरे में जो भी बल्ब है या लाइट है वो अच्छे से प्रकाशित हो रहा हो। दूसरा हम क्या ध्यान रखते हैं, शांति, यानी शांति का माहौल हो, ऐसा भी नहीं हो कि टीवी वाले कमरे में ही आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, टीवी भी चल रहा है, शोर भी हो रहा है और आप पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको शांति का भी ध्यान रखना है। तीसरा है स्टडी टेबल, तो अगर आपके पास कोई टेबल है तो उसे आप स्टडी टेबल बना सकते हो। स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ने से काफी अच्छी पढ़ाई होती है, नींद नहीं आती है और पढ़ने का और भी ज्यादा मन करता है। तो ये कुछ चीजें जिसका आपको ध्यान रखना है कमरा चुनते वक्त। अगला है पढ़ाई में
कौन कौन सहायता करते हैं। तो आप जब पढ़ाई करते हो तो आपको कुछ भी दुविधा होती है, डाउट होती है, तो आपकी सहायता कौन कौन करते हैं ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। पढ़ाई में मेरे मम्मी पापा, भाई बहन और मेरे दोस्त मेरी सहायता करते हैं। तो या तो आप अपने मम्मी से या पापा से पूछते हो, या अगर आपके कोई बड़े भाई हैं या कोई बड़ी बहन है तो आप उनसे पूछते हो, या फिर आपके कोई दोस्त हैं तो आप उनसे कॉल करके पूछ लेते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला है, आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। अभी आपके विद्यालय तो बंद है, आप जा नहीं रहे, तो आप घर बैठे किस किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो ये आपको बताना है। तो मेरी निम्न तरीके से पढ़ाई हो रही है, वर्कशीट से, ऑनलाइन क्लास से, यूट्यूब द्वारा और किताबों से। तो वर्कशीट से, जो शिक्षा निदेशालय द्वारा जो वर्कशीट जारी की जाती है उनको आप डेली सॉल्व करते हो, डेली उसके क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करते हो, तो उससे आपकी पढ़ाई हो रही है। दूसरा है ऑनलाइन क्लास से। तो बहुत सारे विद्यालयों में क्या हो रहा है कि टीचर्स जो हैं, जो शिक्षक हैं, वो ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं, उससे भी पढ़ाई हो रही है। तीसरा है यूट्यूब से। तो जैसे कि आप ये वाली वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो, तो इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बुक्स हैं, जो आपको यूट्यूब पर मिलते हैं या फिर नेट पर मिलते हैं, उससे भी आप पढ़ाई करते हो। और चौथा है किताबों से, और किताबों से तो आप कर ही रहे हो, तो इन सब चीज़ों से आप घर पे पढ़ाई हो रही है आपकी। अगला क्वेश्चन है, आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है। तो जब आप पढ़ाई करते हो तो आपके साथ और कौन कौन पढ़ने बैठता है ये आपको बताना है। तो मेरे साथ मेरे भाई बहन, दोस्त और मम्मी भी पढ़ते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो तो आपका कोई दोस्त है, आपके घर के पास रहता है, पड़ोसी है, वो भी आ जाता है आपके घर की, चलो साथ में पढ़ाई करते हैं। या फिर आपका छोटा भाई बहन है या बड़े भाई बहन है, वो भी आपके साथ पढ़ते हैं। और कभी कभी मम्मी भी पढ़ लेती हैं, पेपर ही पढ़ लिया, मैगजीन ही पढ़ लिया, तो ये सारे लोग आपके साथ पढ़ाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं। अब स्मार्टफोन तो आजकल सभी के पास होता है, तो आपको बताना है कि स्मार्टफोन होने के कारण आप कैसे पढ़ाई करते हैं और किस किस से मदद लेते हैं पढ़ाई में। अगर मेरे पास स्मार्टफोन होता है तब मैं उसी पर पढ़ाई करता हूँ, और कोई भी दुविधा होने पर बड़े भाई बहन और अपने अध्यापकों की मदद लेता हूँ। मैं उन्हें कॉल, व्हाट्सएप द्वारा और वीडियो कॉल करके अपनी दुविधा को दूर करता हूँ। तो स्मार्टफोन में अभी बहुत सारे फीचर्स है, वीडियो कॉल है, व्हाट्सएप है, तो जब भी आपको डाउट होता है तो आप क्या करते हो, आप या तो अपने बड़े भाई बहन से पूछ लेते हो, और अगर बड़े भाई बहन नहीं है या उनको नहीं समझ आ रहा तो आप क्या करते हो, आप अपने अध्यापक से पूछ लेते हो। कैसे पूछते हो, या तो आप कॉल करके पूछ लेते हो, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेते हो, या फिर वीडियो कॉल कर लेते हो। तो इन सब तरीके से स्मार्टफोन से आप पढ़ाई कर सकते हो। अगला है, यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, एक साधारण फोन है, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार से सहायता लेते हैं। तो अब अगर स्मार्टफोन नहीं है तो आप कैसे सहायता लेते हो। तो जब मेरे पास स्मार्टफोन नहीं होता है तब मैं अध्यापकों और साथियों को पढ़ाई के दौरान कोई भी दुविधा होने पर कॉल कर लेता हूँ। सभी अध्यापक और साथी मेरी कॉल का जवाब देते हैं और मेरी दुविधा को दूर करते हैं। तो अगर व्हाट्सएप नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है तो व्हाट्सएप नहीं है, कोई नेट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप फ़ोन, जो सिंपल फ़ोन होता है उससे आप क्या कर सकते हो, आप कॉल करते हो अपने अध्यापक को, या फिर अपने किसी दोस्त को, अपने स्कूल के किसी साथी को कॉल करते हो और उनसे डाउट पूछते हो, और वो आपका क्या करते हैं, डाउट को क्लियर करते हैं, आपकी दुविधा को दूर कर लेते हैं। अगला है, पढ़ाई के बीच में अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। तो आप पढ़ते पढ़ते आप जब बोर हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि काफ़ी देर पढ़ाई कर ली, तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए कैसे मनोरंजन करते हैं। पढ़ाई के बीच में गाना सुनकर और कोई खेल खेल कर मैं अपना मनोरंजन करता हूँ। तो जैसे आपने 2 घंटे लगातार पढ़ाई कर ली तो आप क्या हो गए, आप बोर हो गए, आपको कभी कभी होता है नींद भी आने लगती है पढ़ते पढ़ते, तो आप क्या करते हो, कोई गाना सुन लेते हो, कोई वीडियो देख लेते हो, या फिर अगर आपके फ़ोन में कुछ गेम्स है तो आप गेम्स भी खेल लेते हो, इस तरीके से आपका मनोरंजन हो जाता है। हाँ, पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा देर तक नहीं करना है, कुछ देर गाना सुन लो और फिर वापस पढ़ाई करने बैठ जाओ। तो इस तरीके से आप पढ़ाई के बीच में अपना मनोरंजन करते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और ये वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही इस वर्कशीट से रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपके क्वेरीज हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसके साथ ही हमारा फेसबुक पेज है, और दोनों के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको फॉलो करके भी आपको
सारी वर्कशीट्स की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आई विल मीट यू टुमारो विथ अ न्यू वर्कशीट। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।